हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये एनालाइज करेंगे कि सरफेसाई एक्ट क्या है, क्यों इसको 2002 में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। ये 2002 से पहले क्या ऐसे इश्यूज थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो बैंक्स हैं उनके पास कि 2002 में लाना इसको बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, और 2002 में जब सरफेसाई एक्ट आया उसके बाद बैंक्स को क्या फायदा हुआ। एक एक करके सारी की सारी चीज को एनालाइज करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, वीडियो को आगे जब हम चलेंगे तो हम एक एक चीज समझेंगे कि ये सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का क्या मतलब है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्या मतलब है, हर चीज को एनालाइज करेंगे। लेकिन बेसिकली सरफेसाई एक्ट है क्या? देखो, 2002 से पहले हमारे देश में कोई भी कानून व्यवस्था बैंक्स के लिए इतनी अच्छी नहीं थी कि जैसे सपोज करो कि ये एक बैंक है, बैंक ने बोरोवर को लोन दिया। जैसे ही बोरोवर को लोन दिया, अब थोड़े टाइम के बाद बोरोवर ने सपोज करो कि एक साल जो है उसकी ईएमआई भरी और लोन था 5 साल का। अब एक साल ईएमआई भरने के बाद बोरोवर बैंक को बोलता है कि मैं आगे का लोन रिपे नहीं करूंगा। तो 2002 से पहले बैंक के पास कुछ भी ऐसी पावर्स नहीं थी कि वो बोरोवर के पास जा सके, और बोरोवर के पास जाकर के उसके पास कुछ ऐसी पावर्स नहीं थी कि उसके ऊपर वो प्रेशर बना सके। लेकिन 2002 में इंट्रोडक्शन होता है सरफेसाई एक्ट का। सरफेसाई एक्ट बैंक्स को ऐसी पावर्स देता है, कुछ ऐसी पावर्स देता है, वो हम सारी पावर्स डिटेल में एनालाइज करेंगे कि सरफेसाई एक्ट में क्या पावर्स बैंक के पास आती है। तो सरफेसाई एक्ट बैंक को ऐसी पावर देता है कि वो बोरोवर के पास इजीली जा सकता है और बोरोवर के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि वो बैंक का लोन रीपे करे। हर एक चीज को एनालाइज करेंगे, बट सरफेसाई एक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या हैं? देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। देखो, ये बेसिक चीजें चार पांच चीजें हैं। एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, और एनपीए क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट इसके बिना हम सरफेसाई एक्ट को समझ नहीं सकते हैं। देखो, फटाफट इसको समझ लेते हैं। देखो, एसेट क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो एसेट क्या है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मेरा मोबाइल फोन मेरा है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, वो लैपटॉप मेरा है, वो मेरा एसेट है। मेरे पास मेरा घर है, वो घर मेरा है तो वो मेरा एसेट है। अब सपोज करो कि मैंने आपका मोबाइल फोन, मैंने बोला कि आप मुझे अपना मोबाइल फोन 2 दिन के लिए दे दीजिए, तो 2 दिन के बाद मुझे आपका मोबाइल फोन आपको लौटाना पड़ेगा, तो वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर लाइबिलिटी का सिंपल शब्दों में मतलब देखा जाए तो ये होता है जवाबदारी। यानी अगर मैंने आपसे कोई चीज उधार ली है या मैंने आपसे कोई चीज 1-2 दिन के लिए ली है तो मुझे आपको वो लौटानी है, तो वो चीज क्या होती है, मेरी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। ऐसे ही बैंक के लिए क्या है, बैंक जो भी लोन देता है, जैसे सपोज करो होम लोन दिया, सपोज करो कार लोन दिया, सपोज करो कि पर्सनल लोन दे दिया, तो ये सारे के सारे लोन्स हैं। ये पैसा किसका है, लोन दिया। देखो, आप सपोज करो कि आपको घर बनाना है, आपने 50 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया, लेकिन ये 50 लाख रुपए किसके हैं, बैंक के हैं। बैंक का क्या है, ये एसेट है, आपको ये बैंक को लौटाना है। अब सपोज करो कि आप ये सारे के सारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए बैंक के। अब सपोज करो कि आप गए बैंक में, आपने बोला कि मेरी 10 लाख रुपए की एफडी कर दो, यानी अब ये पैसा किसका है, ये पैसा कस्टमर का है। बैंक को ये कभी ना कभी कस्टमर को लौटाना है, तो बैंक के लिए ये चीज क्या हो गई, बैंक की लाइबिलिटी हो गई। ये पैसा बैंक का नहीं है, बैंक ने कस्टमर से उधार लिया है ताकि वो फर्दर लेंड कर सके। तो ये जो पैसा है, एफडी हो गई या फिर सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करंट अकाउंट हो गया, ये सारा पैसा किसका है, ये सारा का सारा पैसा कस्टमर का है। बैंक को ये पैसा कभी ना कभी कस्टमर को लौटाना है, तो ये सारी की सारी चीजें बैंक की क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। फिर आती है क्या चीज, फिर आता है हमारे पास सिक्योर्ड लोन क्या है, और एक टर्म आती है अनसिक्योर्ड लोन क्या है। देखो, सिक्योर्ड लोन वो होता है कि जैसे सपोज करो बैंक ने आपको होम लोन दिया, तो ऐसा नहीं कि बैंक ने 50 लाख रुपए उठा के दे दिया आपको बिना किसी गारंटी के। तो बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है, 50 लाख रुपए ले लो, जब तक आप लोन पूरा नहीं पे कर दोगे, ये वाला जो घर है जो आपने खरीदा है उसके जो पेपर्स हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे पेपर हैं, वो किसके पास रहेंगे, बैंक के पास गिरवी रहेंगे। तो बैंक के पास गिरवी रहेंगे, तो ये किस टाइप का लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, यानी बैंक सिक्योर है। अगर सपोज करो कि जो कस्टमर है, कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो बैंक उस घर को कभी भी कब्जा कर सकता है। तो ये किस टाइप का लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, सपोज करो अब सिक्योर्ड लोन के अंदर एक एग्जांपल हम कार का भी ले सकते हैं कि आपने कार लोन लिया, गाड़ी आपके पास है, कागज भी आपके पास है, लेकिन बैंक क्या करता है, एक जो आपके पास आरसी होती है उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देता है। उस चार्ज को वैसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। अब वो हाइपोथिकेशन क्रिएट कर देगा, सपोज करो कि आपने ईएमआई
नहीं भरी या फिर डिफॉल्ट करा, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो आपकी गाड़ी को उठा करके ले जाएगा, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड लोन कैसे होते हैं, जैसे सपोज करो कि पर्सनल लोन आपने ले लिया, पर्सनल लोन में सपोज करो कि आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया। अब लोन कैसे है, पर्सनल है, आप उसको कहीं मर्जी घूमो, आप घूमो फिरो, ऐश करो, या फिर आप हो सकता है उसकी उस पैसे को कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपने होम लोन लिया तो आपको घर के लिए यूज करना है, लेकिन पर्सनल लोन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस केस में, पर्सनल लोन के केस में आपने कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी नहीं रखी, तो ये किस टाइप का लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड। अब मैंने आपको ये चीज क्यों समझाई है, एसेट क्यों सिखाया है, देखो सबसे पहले जो सरफेसाई एक्ट है ना, सरफेसाई एक्ट क्या, देखो चलो पहले बार एनपीए भी देख लेते हैं। एनपीए आप सभी को पता है, देखो कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो आपके पास कोई भी आपने कोई भी लोन लिया, ठीक है। अब मान लो बोरोर आप हो, आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक की लगातार 3 EMI नहीं भरी, 3 EMI आपने लगातार नहीं भरी, तो बैंक आपको क्या, आपके जो एसेट है उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो डिक्लेयर कर देगा। तो ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि 90 डेज, अगर आपने 90 डेज तक बैंक का पैसा नहीं भरा, जो भी इंटरेस्ट है वो नहीं भरा, तो बैंक उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, एनपीए। अब देखो ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको ये चीज बता रहा था कि जो सरफेसाई एक्ट है, ठीक है, तो जो सरफेसाई एक्ट है वो बैंक को, जो बैंक्स हैं उनको पावर देता है कि सिर्फ और सिर्फ वो सिक्योर्ड लोन को ही कब्जे में ले सकते हैं। जैसे जो भी सिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे कि होम लोन है, सपोज करो कि कार लोन है, ठीक है, या फिर ओडी लिमिट हो गई, सीसी लिमिट हो गई, ठीक है, ये जितने भी सिक्योर्ड लोन्स हैं जिसके जिसके अगेंस्ट में बोरोवर ने कुछ ना कोई चीज गिरवी रखी हुई है, उसी उसी लोन को रिकवर करने के लिए ही सरफेसाई एक्ट जो है वो बैंक्स को पावर देता है। वो बैंक को क्या देता है, पावर देता है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन को रिकवर करने के लिए। अब एनपीए के अंदर एक चीज और भी आती है, एनपीए के अंदर चार चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है स्टैंडर्ड एसेट्स, क्या होता है स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि जैसे मान लो आपने लोन लिया, आप रेगुलर उसकी ईएमआई भर रहे हो, तो बैंक के लिए वो कैसा एसेट है। देखो लोन मैंने आपको बताया कि एसेट होता है, तो अब जो आप ईएमआई उसकी रेगुलर भर रहे हो तो बैंक के लिए वो क्या है, स्टैंडर्ड एसेट है, यानी बिल्कुल परफेक्ट एसेट है। सेकंड चीज आती है हमारे पास बैंक के पास कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आपने ईएमआई डिफॉल्ट करनी शुरू करी, कि आपने लगातार जो है 6 महीने, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन बस ये याद रखना कि 12 मंथ से कम टाइम हुआ अभी तक आपको डिफॉल्ट करते हुए, 12 मंथ से कम टाइम हुआ, तो वो कैसा एसेट हो जाता है, स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है। थर्ड चीज आती है डाउटफुल एसेट, जैसे ही डाउटफुल एसेट क्या होता है, जैसे ही आपने ईएमआई डिफॉल्ट करनी शुरू करी और आपको जो है 12 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया, आपको 12 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो गया कि आप ईएमआई बैंक की नहीं भर रहे हो, तो वो कैसा होता है, डाउटफुल एसेट हो जाता है। बैंक को लगता है कि अब ये एसेट जो है मेरा ये डूबता हुआ नजर आ रहा है। और फोर्थ होता है लॉस एसेट, लॉस एसेट वो होता है कि अब बैंक को पता लग गया कि जो बोरोवर है, बोरोवर ने अब पैसा नहीं देना है, तो वो कैसा एसेट हो जाता है बैंक के लिए, डाउटफुल एसेट हो जाता है। अब देखो, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो सरफेसाई एक्ट है, इसको मैंने आपको बताया था कि अब इसमें कंप्लीट प्रोसेस हम सरफेसाई एक्ट का देखेंगे कि जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, देखो पूरे प्रोसेस को समझे ना, तो क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये एक बैंक है, बैंक ने आपको पैसा दिया, आप क्या हो, बोरोवर हो। अब लेट से अभी मैंने आपको बताया कि जो सरफेसाई एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट, मतलब जो बैंक को पावर देता है, देखो सरफेसाई एक्ट क्या पावर देता है बैंक को, कि अगर मान लो आपका कोई पैसा लेके भाग गया या फिर आपकी जो कोई ईएमआई नहीं भर रहा है, तो बैंक को ये ऐसी पावर देता है कि बैंक उस पावर का यूज करके इस जो बोरोवर है उसके ऊपर प्रेशर बना सके। लेकिन कौन से केस में, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स, जैसे कि होम लोन, कार लोन, ठीक है, ओडी लिमिट, सीसी, बहुत तरह के सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल लोन है जिसके अगेंस्ट कोई भी चीज जो बोरोवर है उसने गिरवी नहीं रखी है, तो उस केस में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उसके लिए सरफेसाई एक्ट कोई पावर बैंक्स को नहीं देता है कि आप जो है कस्टमर के ऊपर प्रेशर बना सको। अब सपोज करो आप बोरोवर हो, आपने एक होम लोन ले लिया, अब होम लोन सिक्योर्ड लोन है, ठीक है, आपने लोन लिया 50 लाख रुपए का। अब बैंक को आप शुरू में, आपने सपोज करो कि आपने 10 साल के लिए लोन ले लिया, आपने शुरू के 2 साल प्रॉपर ईएमआई भरी, लेकिन 3rd साल से आपने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। अब बैंक आपके पास आएगा, पहले तो बैंक 3 महीने देखेगा क्योंकि एनपीए अभी तक नहीं हुआ, जैसे ही 3 महीने होएंगे बैंक आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे कि अभी पैसा नहीं है, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो कुछ भी। बैंक 60 डेज और वेट करता है, देखो जैसे ही एनपीए डिक्लेयर हो जाता है 90 डेज के बाद, बैंक उसके 60 डेज बाद
एक पूरा लीगल नोटिस निकाल सकता है। लीगल नोटिस इन द सेंस, देखो बैंक कभी भी ना आपको आकर के ये नहीं बोलेगा कि मेरा पैसा फटाफट दो या फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, कभी भी बैंक ऐसा कभी भी नहीं करेगा। देखो अब सपोज करो कि बैंक आपके पास आया कि पैसा दो, अब बैंक का काम सिर्फ ये नहीं है कि रोज रोज आपके घर पे आ जाए, बैंक की खुद की भी इमेज सपोज करो कि यहाँ पे SBI है, ठीक है, अब SBI डेली आपके घर पे आ जाए तो अब मान लो डेली आपके घर पे आएगा आपको तंग करेगा तो बैंक की भी इमेज खराब होती है। बैंक को सभी आसपास के लोगों को क्या लगेगा कि बहुत ही गंदा बैंक है, इससे लोन नहीं लेना है, ये तो थोड़ा सा भी डिफॉल्ट हो जाता है तो घर पे आ जाता है। तो बैंक कभी भी अपनी इमेज खराब नहीं करता, बैंक आपको आपसे बार बार रोज रोज आपके घर पे नहीं आएगा। बैंक ने क्या सोचा, देखो उसके बाद क्या हुआ, एक प्रोसेस आया कि एक कंपनी आई RC या फिर इसको हम बोल सकते हैं ARC, ये क्या है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर इसको बोल सकते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये रोल में आई ये कंपनी, क्या बोलती है कि जो देखो अब आपने जब होम लोन लिया, मैंने आपको बताया कि ये सिक्योर्ड एसेट है, आपने इस केस में क्या किया होगा कि अपने जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास गिरवी रखे होंगे कि अगर मान लो आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक इस घर को बेच भी सकता है। लेकिन बैंक का काम ये नहीं है कि आपका घर हमेशा आपके पास आए बोलेगा मैं इसको बेच दूंगा, बैंक का काम है सिर्फ लेंडिंग करना, इन चक्रों में बैंक पड़ता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, बैंक को लगा कि ये बंदा तो जो है पैसा नहीं दे रहा, अब बैंक को लगा कि ठीक है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ARC क्या बोलती है बैंक को कि आप जो आपके पास जो इसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना वो मुझे दे दो, आप मुझे इसका जो एसेट है ना आपके पास जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे दे दो। बैंक सोचता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरा क्या फायदा। ARC बोलती है कि इसके बदले मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स आपको दूंगी। तो बैंक सोचता है कि देखो कुछ भी नहीं यहां से आ रहा था, उससे अच्छा तो है कि कुछ तो पैसा आ रहा है। अब यहां पे ये जो ARC है, ये ARC या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये होती है एजेंसीज, ठीक है, ये एजेंसीज होती है जो बैंक के साथ काम करती है। अब ये जो एजेंसीज है ना इनकी मार्केट में कुछ खास वैल्यू नहीं है, इनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होता। ये अगर मान लो बोरोवर के पास जाती है और बोरोवर को प्रेशर बनाती है, बोरोवर के ऊपर प्रेशर बनाती है कि जो पैसा आपने बैंक का लिया है उसको लौटा दो, ये कंपनी तो डेली जा सकती है, यहाँ पे डेली इसके घर पे जाएगी, डेली 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 जाएगी क्योंकि इसकी तो कुछ खास इमेज है नहीं मार्केट के अंदर, तो इस बोरोवर के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक ने जो इसके कागज गिरवी थे वो ARC को दे दिए, यानी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर आप इसको बोल सकते हो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। जब कागज इसके पास आ गए और जो ARC ने है उसको अपना कुछ प्रॉफिट शेयर दे दिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस को, जो ये वाला प्रोसेस हुआ ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्यों, देखो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे हुआ कि जहां पे बैंक का जो, देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो एसेट लॉस हो चुका था बैंक के लिए, जो बैंक सोच रहा था कि अब इसको भूल जाने में ही फायदा है, वहां पे ARC आती है और ARC क्या कर देती है, पूरे प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। रिकंस्ट्रक्ट किसको कर देती है, फाइनेंशियल एसेट्स को कर देती है, यानी जो एसेट डूब चुका था वो ARC ने आके क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखो इस पूरे प्रोसेस को तो बोलेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन अब जो ये ARC और RC है ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर के बोरोवर को बोलेगी कि अपनी प्रॉपर्टी को हम बेच देंगे वरना आप हमारा पैसा दे दो। इसके पास पहले 100 तरह के ऑप्शन रखेगी, जैसे सपोज करो आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया तो ARC भी चाहेगी कि ठीक है, पहला ऑप्शन देगी कि उसको सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट में बोलेगी आपका 50 लाख का लोन है, आप 40 लाख रुपए पे करो और ठीक है हम आपके डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे। सेकंड बोल सकती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ा दो और जो उससे पैसा आएगा वो बैंक की EMI भरना, तो उसके पास 100 तरह के ऑप्शन रखेगी। तो ऐसे में ARC ने क्या रोल प्ले किया, ARC ने जो डूबा हुआ एसेट था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। रिकंस्ट्रक्ट करने से क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो जो एसेट है वो एक तरह से फिर से यूजफुल एसेट हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पे जैसे ये बैंक था, यहाँ पे ARC थी और यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो बोरोवर था, ठीक है। अब सपोज करो कि जो ARC है, अब ये बोरोवर अभी भी नहीं मान रहा, बोलता है ये बोरोवर कह रहा है कि मैं पैसा नहीं भरूंगा, तो ARC क्या बोलेगी एट लास्ट कि ठीक है आप अगर अभी भी पैसा नहीं भेज रहे हो तो हमें मजबूरन आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ARC पूरा लीगल नोटिस जारी करेगी और जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो होम लोन था जिसके कागज बैंक के पास गिरवी थे जो बैंक ने ARC को दिए, तो अब ARC अटेंड फाइनली क्या करेगी, इस जो भी ये घर था बोरोवर का, होम था, उसको ARC बोलेगी हमें इसको सेल करना पड़ेगा। जब ये सेल हुआ और बेचने के बाद जो पैसा आया फिर ये जो सेलिंग के टाइम पे जो पैसा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो आई होप कि आपको SARFAESI की पूरी जो फुल फॉर्म थी उसका मतलब समझ आ गया होगा और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जो एक्ट है ये 2002 में आया था। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था,
कि क्या सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है, ठीक है, क्या फाइनेंशियल एसेट्स है, तभी मैंने इनिशियली आपको समझाया कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। देखो सिर्फ और सिर्फ सरफेसाई सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में पावर देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ARCIL क्या है। देखो ARCIL कुछ भी नहीं है, जो पहली इंडिया की जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना वो ARCIL थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, ये पहली ARC थी इंडिया की। इसको जो है किसने प्रमोट किया था, तीन बैंकों ने, एक ICICI बैंक ने, एक IDBI बैंक ने और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इन तीन बैंकों ने जो है, जो हमारी पहली ARCIL थी, ARCIL क्या है, पहली रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसको तीन बैंकों ने मिलकर प्रमोट किया था। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट भारत में जितने भी बैंक है सबके नीचे कोई ना कोई एजेंसी वर्क करती है। और दूसरी चीज क्या है कि RBI के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप किसी भी गुंडे मवालियों को एक बैंक जो है, किसी भी गुंडों को जो है एक कंपनी बना करके बोले कि आप पैसा रिकवर करो, नहीं, RBI के हिसाब से कोई भी ARC है तो उसकी खुद की जो नेट ओन फंड है, जितना भी उसका जो नेट ओन फंड है वो कम से कम 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी वो किसी बैंक के नीचे एज एन ARC काम कर सकती है। अब देखो अगली साइड में ये कह रहा है कि DRT क्या है और DRAT क्या है। देखो DRT होता है DRT होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और DRAT क्या होता है, डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रिब्यूनल है या फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब ये होता है, देखो बेसिकली तो ये जो ट्रिब्यूनल या फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ये बेसिकली कोर्ट होते हैं, लेकिन ये कोर्ट कैसे होते हैं, अपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है ऐसे कोर्ट जो स्पेशल केसेस को सोल्व करने के लिए बनाए गए हो। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे इसका नाम दे दिया DRT या फिर DRAT, तो यानी कि डेट रिकवरी को सोल्व करने के लिए जो अपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, यानी कि देखो जैसे कि जो भी कोई कर्ज है, ठीक है, या फिर बैंक को कोई समस्या, बैंक ने बोरोवर को लोन दिया, अब इस टाइप के जो केसेस, आप बोरोवर रीपे नहीं कर रहा, तो ये जो बैंक ने इसको पैसा दिया अब ये रीपे नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के केसेस को सोल्व करने के लिए ना DRT और DRAT का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। DRT छोटे लेवल पे कोर्ट हो जाते हैं और DRAT बड़े लेवल पे कोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सरफेसाई के अंडर, सरफेसाई एक्ट के अंदर DRT और DRAT नहीं काम करते हैं, DRT और DRAT काम करते हैं RDDBFI के अंडर, जिसका मतलब क्या है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू जो पेंडिंग है टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट, ठीक है। तो आई होप यू आपको DRT, DRAT सब चीजें और ARCIL और उसके बाद सरफेसाई एक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स, तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग।